Assalamualaikum guys, this is Sami Seth from phonegui.com and welcome back to new video. ये Redmi Note 13 सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो गई और काफी ज्यादा हाइप चल रही है इस फोन को लेकर, क्योंकि Redmi ने कुछ हट के ये फोन निकाल दिया है। तो मैं इस वीडियो में Note 13 की अनबॉक्सिंग लेकर आ गया हूँ। इसके दो वेरियंट है, एक है 8 GB जो कि 55,000 के आसपास है और एक वेरिएंट है 8 GB का जो कि मेरे पास है और ये अप्रॉक्स 60,000 का मार्केट में चल रहा है। और वैसे मार्केट में अगर आप जाके ढूंढेंगे तो ये आपको कम में ही मिल जाएगा, थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा एज कम्पेयर टू दिस प्राइस। इसका एक बड़ा भाई भी है Note 13 Pro के नाम से, उसकी भी अनबॉक्सिंग अपलोड हुई हुई है हमारे चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया, क्योंकि वो इसका बड़ा भाई है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फोन है तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अनबॉक्सिंग से पहले एक बात ज़रा मैं आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि नए आने वाली वीडियो आप लोग से मिस ना हो सके। एनीवेज अनबॉक्सिंग करते हैं। हमने अनबॉक्स जल्दी से और हम लोग को कुछ एसेसरीज में देखने को मिली है। एक तो हम लोग को बैक पाउच मिला है रेडमी की तरफ से, उसके साथ साथ टाइप सी केबल है और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर हम लोग को देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ पेपर वर्क से जो ऑब्वियस बात है मैं कभी नहीं देखता। एनीवेज फोन के अगर हम फर्स्ट लुक इंप्रेशन की बात कर लेना यार, तो ये काफी ज्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर फोन। और अच्छी बात ये है कि इन्होंने आईफोन का क्लोन नहीं निकाला इस दफा, क्योंकि काफी सारे फोन जो है वो आईफोन का क्लोन निकालने के चक्कर में लगे हुए थे, तो Redmi ने ये थोड़ा सी चीज़ हटके कर दी है। वैसे देखने में तो मुझे बिल्कुल ग्लास लुक दे रहा है, लेकिन ये प्लास्टिक बॉडी है और सबसे मज़े की बात ये है कि इसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, यानी जितना आपने स्क्रैचेस मारने मार सकते हैं उसको कुछ नहीं होने वाला। बॉडी फीचर्स पर बात कर लें तो यार, ऊपर वाली साइड पर हमें IR ब्लास्ट दे दिया है, एक अदद स्पीकर दे दिया है, हेडफोन जैक ऊपर देखने को मिल गया हम लोगों को, उसके अलावा नॉइज कैंसिलेशन माइक भी है। और बॉटम साइड की अगर बात कर लें तो हम लोगों को यहाँ पर एक जैक दे दिया है टाइप सी केबल का, उसके साथ स्पीकर दे दिए हैं। और मज़े की एक और बात बता दूँ कि यहाँ साइड में हम लोगों को सिम स्लॉट नहीं दिया, बल्कि बॉटम में सिम स्लॉट दिया हुआ है, देखने ये चीज में देखने को मिली है इसमें। उसके साथ साथ पावर बटन है और वॉल्यूम कीज है। तो लुक वाइज अगर मैं बात करूं तो यार काफी जबरदस्त सा फोन है ये और अच्छा गुड लुकिंग फोन लग रहा है। अच्छा, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस फोन के 4 कलर्स हैं, जिसमें से एक तो ये हमारे पास मिडनाइट ब्लैक है, उसके अलावा 3 कलर ऐसे हैं, एक है ओशन सनसेट, एक मिंट ग्रीन और एक है आइस ब्लू। अच्छा, लेकिन मजे की बात इसमें यह है कि ये तीनों कलर ना मार्केट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि मेरी कोशिश ये थी कि मुझे मिंट ग्रीन कलर मिल जाए या आइस ब्लू मिल जाए, क्योंकि वो थोड़े से मुख्तलिफ कलर हैं और थोड़े देखने में और अच्छे लग रहे थे वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिले मुझे, पूरी मार्केट में नहीं मिले। तो यही हम लोग को मिडनाइट ब्लैक मिला। और इन कलर्स को अगर आप लोग को मजीद करीब से देखना है तो हमारी वेबसाइट phonegui.com पर विजिट कीजिए, वहाँ पे हमने सारी डिटेल्स प्रोवाइड की भी है। अच्छा, अब हम उसके फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो यार फ्रंट हम लोग को 6.67 इंचेस के डिस्प्ले दे दिया है विद 120Hz रिफ्रेश रेट, काफी स्मूथ डिस्प्ले है इसमें। हम लोगों को गेम में अगर बंदा कोई खेलता है तो काफी स्मूथली इसमें गेम चलेगा। उसके साथ साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन हमें इसमें देखने को मिलेगी। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलता है, जिसमें से 108MP का मेन कैमरा है, 8MP का अल्ट्रा वाइड और उसके साथ साथ 2MP का मैक्रो कैमरा है। फ्रंट कैमरे की मैं बात कर लूं तो यार फ्रंट हम लोग को 16MP का दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि एटलीस्ट इनको जो है 16MP को बढ़ा देना चाहिए था थोड़ा सा रेडमी को, क्योंकि इन्होंने बैक कैमरा बहुत जबरदस्त दिया हुआ है। इस पर मैं कैमरा टेस्टिंग वीडियो जरूर बनाऊंगा आने वाले वक्तों में, लेकिन फिलहाल हम एक दो क्लिक्स इसमें लेके देख लेते हैं कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। कैमरा तो काफ़ी ज़बरदस्त है यार इसका देखने में, हालांकि मैंने इसका पोर्ट्रेट मोड अभी ऑन नहीं किया है, उसके बावजूद काफ़ी अच्छा ये फोकस कर रहा है ऑब्जेक्ट को और जो नॉन फोकस ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे से ब्लर भी कर रहा है। अब ज़रा इसके सेल्फी मोड भी एक देख लेते हैं हम लोग।
सेल्फी मोड भी यार अगर हम देखें तो नॉट बैड यार, ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन हाँ हल्के हल्के पिक्सल्स को खराब कर रहा है। मे भी हो सकता है अभी हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए तो इसलिए पिक्सल्स थोड़े बहुत ही हल्के से गिचपिच कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा बुरा नहीं है इसका कैमरा जो मैं बोल रहा था कि 16 से बढ़ा देना चाहिए था। बट एनीवेज हम इसके कैमरा टेस्टिंग वीडियो जरूर लेकर आएंगे। प्रोसेसर की बात कर लें, प्रोसेसर हमें यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा प्रोसेसर है जिसको कह सकते हैं बेहतर या एक अच्छी गेमिंग की जा सकती है यहाँ पर। और परफॉर्मेंस वाइज भी अगर देखा जाए तो इस फोन के हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर दिया हुआ है। बैटरी की बात कर लें तो बैटरी हम लोगों को इसमें वही 5000 mAh की ही दे दी है, लेकिन उसके साथ साथ 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली अभी हमने कुछ टाइम पहले यही स्पेक्स वाले फोन्स कुछ हमने रिव्यू किए थे, जो कि हॉट 40 था, हॉट 40 प्रो, तो उसमें भी तकरीबन यही कुछ स्पेक्स दी हुई थी और चार्जर भी हमें 33 वोल्ट का दिया था। तो जितना टाइम मेरे ख्याल से इन्फिनिक्स हॉट 40 या 40 प्रो ने लिया है तो मे बी पॉसिबल ये भी इतना ही टाइम लेगा, लेकिन क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखी गई चीज़ों पे सेटिस्फाई ज़्यादा होता हूँ तो उस पर चार्जिंग टेस्ट तो लाजमी आएगा भाई, तो चेक करेंगे ना ताकि पता चले इन्फिनिक्स और रेडमी में कितना फर्क है। उम्मीद करता हूँ आपको रेडमी नोट 13 की तरह हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेडमी नोट 13 कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।